दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने नाम से आप अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल में एक मिनट में कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, एक मिनट में आप निकाल सकते हैं सिर्फ अपने नाम से आधार कार्ड को। तो उसके लिए दोस्तों मैं आपको बेसिक एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको समझाऊँगा चीज़ें, ठीक है। तो इसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को एकदम शुरू से लास्ट तक स्टेप बाई स्टेप देखना है, ठीक है, ध्यान से सुनना है, ठीक है, तभी आप कर पाओगे। अगर थोड़ा भी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं, नहीं बातों को सुनते हैं, तो आप नहीं कर पाओगे, एरर बता देगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। दोस्तों वीडियो में स्टार्ट करूँ उसके पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो यहाँ पर लाइक वाले बटन पर क्लिक करके सबसे पहले लाइक करें, और यहाँ पर लिखा हुआ चैनल सब्सक्राइब, इस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और बगल में एक छोटी सी नाजुक सी घंटी आएगी दबाकर यहाँ पर ऑल प्रेस करें। इससे क्या होगा कि ऐसी ऐसी जानकारी मैं आपके लिए लाता रहूँगा, आपको मिलता रहेगा। और यहाँ पे कमेंट करके आप बताना है कि आप भारत के किस जिले और किस राज्य के रहने वाले हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। इतना सारा काम करने के बाद अब आपको करना क्या है, आपको अपने गूगल में आ जाना है, ठीक है। गूगल क्रोम एप्लीकेशन होगा, उसमें आप गूगल ओपन कर लीजिएगा, और यहाँ पर सर्च करना है ऑफिशियल आधार कार्ड की वेबसाइट UIDAI, ठीक है। इसको आपको सर्च करके ओपन कराना है। जैसे सर्च करके आप ओपन करोगे तो इस तरीके से इंटरफेस यहाँ पर पहली जो वेबसाइट ऊपर की है इस पर क्लिक करके आपको ओपन कर देना है, ठीक है। जब आप इस पर क्लिक करके ओपन करोगे तो आपके सामने नई वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सबसे पहले ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा गेट आधार, इसी में आपको चौथे नंबर पर मिलेगा लॉस्ट आप आधार UID करके, तो आपको इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखोगे दोस्तों, आपको पूछेगा अपना नाम, आपका नाम क्या है, ठीक है, और आपका मोबाइल नंबर, अगर आपके पास ईमेल आईडी है तो डाल सकते हैं, नहीं तो ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कैप्चर कोड डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे सेंड OTP पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको जो आपके आधार कार्ड से जो आपको मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर OTP जाएगा, उसको वेरीफाइड करेंगे, उसके बाद हम आगे प्रोसेस आपको बताते हैं। तो चलिए मैं फटाफट यहाँ पर सब कुछ डाल देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपना नाम, मोबाइल नंबर और कैप्चर कोड डाल दिया है, और यहाँ पर मैं अब करता हूँ सेंड OTP पे क्लिक। अब मैं यहाँ पर सेंड OTP पे क्लिक कर दिया हूँ तो यहाँ पर जो है कि मेरे रजिस्टर्ड जो कि मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा, ठीक है, और यहाँ पे मुझे OTP वो डालना है, जो 6 नंबर की OTP होगी, 6 डिजिट का, उस OTP को यहाँ पे डालना है। डालने के बाद मुझे लॉगिन करना है, लॉगिन के बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर हम वेट कर लेते हैं, इसी मोबाइल में जो है कि वो सिम लगा हुआ है जो मेरे आधार कार्ड से लिंक है, तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देख सकते हैं ऊपर OTP आ चुका है, और OTP है आपका 449580, यहाँ पर लिख देते हैं 449580, ठीक है, यहाँ पर डाल दिया। और यहाँ पे मैं लॉगिन वाले पर क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं लॉगिन वाले पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो आधार नंबर है आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भेज दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये मेरा यहाँ पे आधार कार्ड नंबर यहाँ पर आ गया, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आधार नंबर जब आपको पता चल गया तो आप आधार नंबर से कैसे आप डाउनलोड करेंगे आधार कार्ड, ये मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, यहाँ पे फिर भी आपको दिखा देता हूँ करना कैसे करना है। तो UIDAI आपको फिर से दोबारा उस वेबसाइट को ओपन करना है, और फर्स्ट वाले लिंक भी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेट आधार वाले ऑप्शन में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा डाउनलोड आधार, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, फिर डाउनलोड आधार पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ पर सिर्फ आधार नंबर डालना है और कैप्चर कोड, जैसे ही डालोगे OTP जाएगी, उस OTP को जैसे ही डालोगे आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। वहाँ पर एक पासवर्ड मिलेगा, तो आपको अपना फर्स्ट नाम का 4 लेटर कैपिटल लेटर में और आपका डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर डाल देंगे, तो वहाँ पे जो है कि आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है, चैनल पर विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर डाउनलोड आधार का एक ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर ऊपर की तरफ यहाँ पर डाउनलोड आधार, ठीक है, इसी जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको आधार नंबर और सिक्योरिटी कोड मांगेगा, वो डाल देना है, ठीक है। उसके बाद आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। प्रोसेस आप देख सकते हैं, पिछला वीडियो बना है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। वीडियो फालतू के लंबे होंगे, आप भी बोर होगे और इंटरनेट भी खपत होगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।